हाथ ऐसे बांध कर बैठोगे काम नहीं बनेगा, और अगर ताली बजाओगे तो सबका काम बनेगा। बजाओ बजाओ ताली, शाम नाम की खाटू बजाओ ताली, खाटू वाली ताली बजाओ सारे एक बार, बजाओ ताली। आप सब गाएंगे और बाबा से कहेंगे, बाबा आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया जोर से, और जिंदगी से दुखों की बिताई हो जाए, बोलो जिंदगी से दुखों की, फिर से बोलो क्या, जिंदगी से दुखों की बिताई, के बाबा आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, और जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, के बाबा एक नजर कृपा की डालो, एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान, साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम्हें ना सुनो जीवन में ज्यादा परेशानी होती है वो ज्यादा हंसता खेलता है शायद, है ना? इधर वालों की जिंदगी ज्यादा दुखी दिखती है मुझे, ज्यादा हंस रहे नाच रहे गा रहे, दुख है सबके जीवन में, ऐसा होता है जी कि जो भाई लोग होते हैं ना, जितने भी बड़े भैया बैठे हैं, ऐसा कहते हैं कि जो आदमी होता है, जो भैया होते हैं, वो अपना दुख किसी से बता नहीं पाते, सच्चाई है। अक्सर जो फीमेल होती है वो अपना दुख फिर भी बता देती है अपनी सहेली को, अपनी मम्मी को, लेकिन जो भैया लोग होते हैं वो अपना दुख किसी को नहीं बता पाते, किसी को नहीं बता सकते, लेकिन उसे सब मालूम है भैया। अगर ऐसा कहते हैं दीदी कि अगर ये अपने दोस्तों को बताते हैं तो दोस्त जरूर मजाक उड़ाएंगे आपका, अगर आप रोओगे किसी के सामने तो हर कोई यही बोलेगा कि आदमी होके क्यों रोता है, लेकिन जब मेरे बाबा के दरबार में आके रोओगे ना तो ये कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि तू क्यों रह रहा है। इसलिए कहना क्या, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आने गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आने गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, हर एक नजर कृपा की करना, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान, संकट हमारा कौन हरेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। मेरे शाम हरि बोल, फैला लो मेरे बाबा के सामने, अपनी दोनों बाहें फैला लो बाबा के सामने, इधर से भी सारे बाहें फैला लो बाबा के सामने, अपने आप को बाबा के हवाले सौंप दो और कह दो बाबा से कि बाबा मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सिर पे
जैसे दीपक और ज्योति साथ रहे, ओ जैसे दीपक और ज्योति साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, ओ खटु वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। भैया मेरी बात सुनो, अगर आप लोग खड़े होकर मस्ती करोगे तो जो सच में जुड़ने आए हैं वो नहीं जुड़ पाएंगे आपकी वजह से, और अगर वो भक्ति नहीं कर पाए तो उसका सारा पाप आपको लगेगा। जो मेरे बड़े भैया, मैं छोटी बहन हूँ आपकी सबकी, मेरी बात मान के आप सभी बैठ जाओ एक। अच्छा, जो ये सोच कर आए हैं ना कि मंदसौर से अधिष्ठानुष्कारी है, वैसा मत सोचना, हम आपके कोटा की बेटियां हैं दोनों, ऐसा सोच के बैठ जाओ। और सारे जितने हैं, जितने इधर भी खड़े हैं, वो सारे बैठ जाइए, आपकी छोटी बहनें हैं, इधर से आप किसी को परेशान मत करिए, सारे बैठ। और अगर आप बैठे हैं, आपका पड़ोसी खड़ा है, तो आप उसका हाथ पकड़ के नीचे बिठाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी भैया। हाँ, आप बिठाओ तो सब बैठेंगे, आप बिगाड़ोगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बैठो भैया, बैठो, सारे बैठो, सारे बैठो, हाँ बिल्कुल, सबको बिठाओ, कोई खड़ा ना रहे, सभी बैठो और कहो बाबा से, जब तक सांसें चलेगी, जब तक